और क्या चाय से मतलब है आफ्टर योर मैरिज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाय गाइस जमाना खराब है अंडा नहीं इसे देख अंडा ढूंढने के लिए तो कार में मेरा अंडा शेयर किया मैंने तो सब इस कार्य पर भी था हाँ सब आज कर इसको ऐसे अच्छा सुनो ड्यूटी फ्लावर शॉप कौन करेगा वीडियो शूटिंग अरे इसको क्या कहते हैं खाना पीना छोटा वाला नहीं बनाएंगे अमिताभ की वीडियो पर ये तो मेरे को पता ही कैसा है ये फिर ये मामा ने बोला है नहीं किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल फैमिली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप तो टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे आखिर इस ब्लॉग में ऐसा क्या है। तो आज पापा के लिए या सबके लिए ही बोला जाए तो बहुत ही खास दिन है, जैसे कि कोई अपना जंग जीत के आया हो। बिल्कुल उसी तरह से हुआ है। तो आज है छोटा सा सेलिब्रेशन जो कि हम लोगों ने किया था पापा के लिए या अपनी खुशी के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। आज है उनकी रिटायरमेंट जॉब का आखिरी दिन, कल से वो घर में ही रहने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि खुशी खुशी रहे, शांति से रहे। कि दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं कि ना इस टाइम में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, और अब तो उम्मीद करते वो एक दूसरे को पूरा पूरा टाइम दे, एक दूसरे के साथ जिएं, सारी चिंताएं भूल कर, सारी परेशानियों को भूल कर। वरना रोज़ आए दिन नई परेशानियां होती है, आज ये कल वो परसों वो, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब तो उनके पास पूरा टाइम है कि वो सब अपने लिए सोचे, अपने लिए करे, जहां मर्जी हो जाना, घूमना हो वहां घूमे, खाए पिए, मस्त रहे। और इसमें से जुड़ी कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि हम नहीं जानते थे, वो सारी बातें पापा ने हमें खुद बताया। मतलब कि तय नहीं, पापा उमेश ने पूछा आखिर इतने साल जॉब के कैसे संभाले, हम तो 8 साल में परेशान हो गए हैं। बस इतना सा पूछा था पापा ने, पूरी कहानी बता दी कि उन्होंने शुरुआत से किस तरह से जॉब में ज्वाइन किया, किस तरह की परेशानियाँ आई, मम्मी ने किस तरह से साथ दिया। बस इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें ही जो कि हमें पापा से जानने को मिली वो आप लोगों को ही बताऊंगी। तो फिलहाल में हम ऊपर आ गए थे जहाँ जो डेकोरेशन वगैरह कर रखा था। अब चाहती हूँ आप वो सारी बातें सुने जो कि पापा ने हमें बताया, आप भी सुने, शायद आपको भी कुछ अच्छा लगे, उनसे कुछ सीख मिले। उसमें देखते हम अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी एक साथ रखते थे, अपने आप को भी रखते थे और अपने फ्यूचर को भी देखते थे। जब वहां से हम दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद भी जो यही मेरा बैंकिंग का एग्जाम था, दादाजी का डेथ हो गया था और हम नहीं जा पाए। और जिस दिन एग्जाम था बैंक का, यही मोदी नगर सेंटर पड़ा था उस दिन, तो मेरा एग्जाम सेंटर पर जाने के, एग्जाम देने के लिए वजह से मैं गांव में गया उनकी। रह गया उसके बाद एक्सीडेंट भी, एक्सीडेंट के बाद भी मैं टूटा कभी नहीं, ये तेरी मम्मी को पता। मेरा ये था कि टूटना नहीं है, जिस दिन टूट गए उस दिन खत्म, लाइफ खत्म हो जाता है। और जिस दिन हम ये समझे कि भाई स्ट्रगल करने से हम डर गए या इस चीज से हम डर गए या नेगेटिविटी मेरी में आ गई, तो वो भी यही तेरी मम्मी है। मीठापुर में मैं बरसों रहा और हर जाट और बुजुर्ग के घर में आना जाना ये था हमारा। तो आज भी हम दादा के नाम से मुझे जानते हैं सब।
और पता नहीं कैसा रिलेशन था, मैं कैसा क्या मेरा एटीट्यूड था, बिहेवियर था, मुझे तो लोग सारे अच्छे नहीं है, मैं तो सबको अच्छा करता हूं। जब एक्सीडेंट हुई, पिंकी मात्र 1.5 महीने की थी, 1.5 महीने के समय ना, बड़ी दीदी को स्कूल छोड़ के आया, खाना खाया, खाना खाकर मम्मी को बोला मैं जा रहा हूँ, और तभी जैसा हुआ। होने के बाद भी, इतना होने के बाद भी, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि वहां मीठापुर के लोगों के साथ जो मेरा रिलेशन था वो रिलेशन काम आया, वो मम्मी बता सकती है कितना, कि किसी को अपने अन्य जानने वाले कोई नहीं, उन लोगों ने ही मुझे उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया, पुलिस वाले को बुलाया, एम्बुलेंस किया, इवन कि यहां तक था जब FIR लिखी जाती है तो गांव वाले ने कह दिया इसका FIR बाद में लिखोगे, पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाओ पुलिस वाले को, पुलिस वाले एम्बुलेंस जाए और गांव के लोग भी जाके मुझे छोड़ के आए, नहीं तो रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, कोई किसी को नहीं पूछता। और उसके बाद मैं बिस्तर पर पड़ा रहा साल डेढ़ साल बिस्तर पर जो पड़ा रहा, तो तेरी मम्मी जी जितनी करी है मेरे लिए, यानी हमने लैट्रिन बाथरूम सारा सब कुछ बिस्तर पर किया, सारी सब कुछ उसने करी। ये तो इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो यही चीज है, रह गए बात कि कहीं भी किसी भी चीज में दोस्ती भी मेरे बहुत अच्छे, वहां भी थे हमेशा अच्छे बुरे लोगों से दोस्ती थी। आज ही मेरी फ्रेंडशिप कलकत्ता में जितने भी आज उन लोगों से बातचीत होती है। अच्छा, तो इसमें दोस्ती करना बुरा नहीं है, दोस्ती में यह निकालना क्या अच्छा और क्या बुरा है। यदि हम उनमें से उसका निचोड़ नहीं निकाल पाए और उस दोस्तों के साथ बह गए तो फिर हम अपना नुकसान कर जाएंगे और इसमें हम अपने आप को भी अलग से टूट जाएंगे, हमारी फैमिली भी टूट जाएगी और सब कुछ हम टूट जाएगा। रह गए टैकल करने की बात, टैकल तो बस हम पॉजिटिविटी से ही कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि यदि हम कहें कि हमने ये गलती करी, दूसरी गलती करी, तीसरी करी, गलतियां होती है, गलतियां करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद उसको जब हम समझ जाते हैं कि हमें समझ में आ गई यहां से गलती है, तो वो टर्न हमें वहां से लेना चाहिए। और यदि हमने उस गलती से टर्न ले लिया तो फिर हमने वो गलती नहीं, उससे हमें क्या एक्सपीरियंस मिलता है, सीख मिलता है, समझ आती है, तब जाके और नहीं हम गलती में पड़ते चले गए, नेगेटिव करते ही चले गए कि अब तो हम फंस चुके हैं, पर फंसे नहीं, कभी भी नहीं हम फंसे। हर रोड का मोड़ होता है, हर रोड का टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक हमने गलती कर ली, इसका मतलब जब हमें पता चल गया कि ये गलती हमने कर लिया है तो वहां से टर्न लेने में हमें कोई वक्त नहीं है, इसलिए वहां से टर्न लेना चाहिए। जिम्मेवारी अपनी है, जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। टैकल करने में यही है, अच्छे भले हर तरह के लोग हैं, अगले को भी सुनो, अगला यदि कुछ, जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक हम किसी को, हम अपने सामने वाले को नहीं सुनेंगे तो हम उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, तब तो वो बहसबाजी होगी। दो चीजें होती है, आर्गुमेंट और डिस्कशन। आर्गुमेंट मतलब बहस हो गया, बहस का कोई सुन नहीं, बहस में हम क्या होते हैं, हम केवल आपकी गलती निकालते हैं, हम अपने सामने वाले की गलती निकालते हैं बहस में, आर्गुमेंट में, तेरी ये गलती, तेरी ये गलती, तेरी। और डिस्कर्स करते हैं मतलब चर्चा हो गया, डिस्कर्स में करने से ये होता है कि हम लोग किसी टॉपिक पर बैठे उस पर बातचीत कर रहे हैं, उनमें से कोई निचोड़ निकलता है,
चर्चा अच्छी चीज है, डिस्कशन अच्छी चीज है, पर आर्गुमेंट अच्छी चीज है।